हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द लर्न एनिमेशन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ईटिंग एनिमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है नॉर्मली स्क्रीन पर एक कैरेक्टर बनाया हुआ है। ओके, इसमें मैंने इसको ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है इसके अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि इसकी बॉडी हो गई, फेस हो गया, ये इसके पीछे का हाथ है, ये आगे उसका बर्गर, और ये उसके दो हैंड्स। ठीक है, तो अभी हम जो है इसके अंदर हम एनिमेशन देंगे, और मैं इसके फेस के अंदर भी दिखा देता हूँ। फेस के अंदर जो है मेरा लिप्स के अंदर यहाँ पर जो है बस तीन की को ऐड करा हुआ है, एक की जो है नॉर्मल हंसते हुए, फिर एक माउथ ओपन करते हुए, और जब वो खाएगा उसके बाद वाला की, और इसके आई ब्लिंक के अंदर बस मैंने आई ब्लिंक करी हुई है, यहाँ पे 19 पे मैंने यहाँ पे इसके आई ब्लिंक करी है। तो चलिए अभी हम जो है इसमें एनिमेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं जो यहाँ पे 15 से की लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, 15, 20 और 25। की लगाना कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको मतलब कहाँ से की लगाना, की मतलब की फ्रेम्स ऐड करना, कहाँ से स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह। और मैं 15 पे लगाने का पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर इसकी ब्लिंक करी हुई है जो कि है 20 पर बंद हो रही है। ठीक है, आप ब्लिंक को भी आप आपके अकॉर्डिंग जो सेट कर सकते हो, बट फिलहाल जो है मैंने उसको 20 पर रखा हुआ है कि 20 पे जो है ब्लिंक उसकी लगेगी, और तभी जो है ये भी खुद बंदा जो है नीचे चला जाएगा और इसके हाथ का जो बर्गर है वो इसके फेस की तरफ आ जाएगा। तो चलिए अभी हम अभी इसको सेट करते हैं। पहले मैं ये सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके हैंड्स को भी जो हम हल्का सा ऊपर लेकर चले जाएंगे। इसके बाद देखो अभी ये इतना तो ये ऐसे हो रहा है। ओके, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम की हम इसके फेस के अंदर भी जाकर लगाएंगे, 15, 20 और 25 पे। यहाँ पर जो है हम इसके आँख वगैरह को और फेस को पकड़ के नीचे नीचे लाएंगे, और इसके ईयर्स को जो हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे। पहले हम जो है यहाँ पर ट्विन लगा देते हैं। मैं यहाँ पर अगेन ईज आउट जो है 100 100 रख रहा हूँ, और यहाँ पर भी जो हम ट्विन लगा देंगे, और यहाँ पर भी जो मैं ईज आउट 100 पे रख रहा हूँ। अभी देखो ये थोड़ा सा ऐसा नीचे आता हुआ लग रहा है। अभी हम इसके फेस को भी जो थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिससे कि ये बर्गर के पास तो आते हुए दिख रहा है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसके माउथ पे जो है हमें हम लोग को मेन काम करना है। हम जो है अभी पहले 11 और 15 पर एक की लगाते हैं, और यहाँ पर जो है हम इसको की को दो कर देते हैं। अभी आपको ना यहाँ पर क्या करना है, मैंने हाँ और मैंने यहाँ पर की क्यों लगाई इसके पीछे भी रीज़न है, तो पहले आपको बाहर से दिखा देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 11 पे जो इसका फेस ओपन हो रहा है, और फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये नीचे इसका फेस को जो बड़ा करके लेके जा रहा है। तो इसके लिए अभी हम पहले यहाँ पे अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो हमको दो रखना है। अभी हम ये वाले जो की पे है ना, इसको हम पहले छोटा कर देंगे। ठीक है, हम और यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगा देंगे, इज आउट 100 रख रहा हूँ मैं अगेन यहाँ पे। अभी देखो ये ऐसा लग रहा है कि अपना माउथ ओपन कर रहा है, बंद से माउथ ओपन कर रहा है। ठीक है, अभी जब भी आप इसको बाहर से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, पहले मुंह ओपन किया फिर ये नीचे चला गया, पूरा बाहर से दिखाता हूँ। इसने मुंह ओपन किया और खाने के लिए ये चला गया, ये देखो। और यहाँ पे हमको अगेन इसका फेस यहाँ पर जो हमको दूसरी वाली की लगा देनी है, जो कि है ये वाली। यहाँ पे की मैं कैसे लगा रहा हूँ, मैं बस की को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ से अंदर जो है मैंने सारे के सारे ड्राइंग्स को रखा हुआ है, बस यहाँ से जो है मैं की को कॉलिंग दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे
थ्री कर दिया तो ये वाली की आ गई, अगर मैं यहाँ पर टू कर दूंगा तो ये वाली की आ जाएगी, वन कर दूंगा तो ये वाली की आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही बस मैं यहाँ पे थ्री पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखो इसको हमको बस ऐसे ही रखना है, और यहाँ पे यही पोजीशन पे हमको इसके अंदर भी की लगानी है। यहाँ पे जो मैंने अंदर ऑलरेडी ड्राइंग करके रखी हुई थी, ये देखो खा मतलब खा के होने के बाद वाला जो बर्गर है मैंने यहाँ पे उसकी जो ऑलरेडी ड्राइंग करके रखी हुई थी। अभी जब भी आप इसको बाहर से देखोगे ना तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। देखो इसने तुरंत से खा लिया और ये ऊपर आ गया। अभी हम इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये खा रहा है तो हम इसके माउथ को ना प्रॉपरली हिलते हुए भी दिखा सकते हैं। हम जो है यहाँ पर एक की लगा देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और इसको स्क्वीज़ कर देंगे, जिससे कि ये ऐसा लगेगा कि ये कुछ खा रहा है, ठीक है। फिर अगेन यही वाली की को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, और इसको कॉपी करते करते हम आगे लेके जाएंगे, जिससे कि ये लगेगा कि कुछ चबा रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको पूरी एक बार बाहर से दिखा देता हूँ प्ले करके कि ये कैसे दिखेगा। देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। इसी तरह से ना आप दिखा सकते हो कि कैरेक्टर मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर के हाथ में समझो कोई भी फूड वगैरह है तो उसको खाते हुए वगैरह दिखाना है, तो हम जो है इसी टाइप से एकदम इजी वे में दिखा सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।